जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप जो है पेज ग्रुप, उसके भीतर हम बात करेंगे कवर पेज के बारे में। तो जैसे कल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि कवर पेज क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है जो बुक को प्रोटेक्ट प्लस उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें, क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे बुक देख के पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट की बुक है, पब्लिशन किस के द्वारा प्रकाशित की गई है, राइटर कौन है, काफी चीजें हमें वहां उसके बारे में रेट वगैरह सब कुछ काफी चीजें हमें वहां पता चल जाती है। ठीक है, तो चूंकि ये सारी चीजें बनती है कोलड्रा वगैरह पे, लेकिन एमएस वर्ड में भी काफी चीजें दे रखी है इन्हें, तो फिलहाल में हम लोग अपने आपसे भी बनाएंगे सफेज के बाद हमसे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके से, जिसमें वो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो विंडो आर इनवर्ट, हेलो, हाँ विकास बताओ। 8 बजे से क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो कहा था कि मैं 12 बजे से आज। कौन बोला है, कौन अंकित है, बहुत मार खाओ तुम, दूसरे के चक्कर में फिर फंसने लगे तुम। तो कैसे पता है उसको, तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो बहुत ज्यादा। तुम आओ बताते हैं, तुम आओ पहले। इतना हरामखोर लड़का है ये विकास नाम का जो बैठा वहां पे, हमेशा अलग लेवल पे काम करता है। मैंने एक दिन के लिए बोला था कि नहीं बोला था, कोई और लड़का ऐसे कह देता है कि आज क्लास नहीं चलेगा तो ये नहीं आता है। अरे मैं कहूंगा तब न मान रहे होगा, और जो मैं कहता हूँ वो क्लियर बोलता ही हूँ। गजब हाल है, ऐसे कि नहीं आया पढ़ने को रहा कि पता नहीं कौन सा जी बोले सर्वे सुनने पड़े। बताओ तुम मेरे बैच में पढ़ते हो, तुमको नहीं पता है, किसी और बैच वाला बच्चा बता दे रहा कि सर्वे सुनने पड़ेंगे। कभी आप लोग ऐसा हुआ कि आपने यहाँ आए वापस गए हैं? नो सर। गजब हाल है, एकदम बेवकूफ आ रहे हो। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक, तो इंसर्ट टैब में ना, और इंसर्ट टैब के भीतर कवर पेज। तो कवर पेज में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ तो वो आप पहले से जो चीजें हैं वो दिखा रही हैं हमें, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, तो काफी चीजें हैं हम ले लेते हैं। ठीक है, और कौन सा ले लिया जाए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, कोई भी एक ले लीजिए जो अच्छा लगे आपको, जिसके बारे में आप लिख सके। जैसे मैंने यही ले लिया क्योंकि तो जूमिंग साइज काफी बड़ी है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देख रहे हैं ना आप लोग, ये कवर पेज, ये कवर पेज है। अब इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल मांग रहा है, तो बुक का नाम क्या रख दिया जाए, तो बुक का नाम कोई भी रख दिया जाए। मैं क्या रख दे बताइए, फिजिक्स फिजिक्स रख दे रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स, और सब टाइटल में कुछ देना चाहते हैं उसके बारे में तो भी दे सकते हैं सब टाइटल के बारे में कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो कुछ भी लिख दिए, लॉज लिख दिए, न्यूटन्स लॉ लिख दिए, मालूम मालूम। ये कौन है भाई, मंटू, कैमरा वैमरा बंद करो भाई। ठीक है, तो न्यूटन स्टार मैंने ले लिया, थोड़ा सा जूम कर ले, पीछे दिख रहा है ना, न्यूटन स्टार ले लिया। डेट डाला तो डेट डाल सकते हैं यहाँ पे, या कुछ और डाला है तो कुछ और करिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए। ठीक है,
तरीका तो आप लोगों को पता ही है, जरूरी नहीं कि हम वहां जाएं, हम शॉर्टकट की का भी यूज तो कर सकते हैं ना उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपको और भी कोई मैटर लगना है, मतलब कोई फोटो वगैरह लगाना है, तो जरूरी नहीं है कि वहां हम जाएंगे, और भी ऑप्शन अभी आएंगे, ठीक है। तो आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि आगे जाना पड़ेगा, पिक्चर उक्चर लगाना है यहाँ पे, तो पिक्चर भी लगा सकते हैं आपको। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कौन सा पिक्चर है, लड़कने का तो है ही नहीं का है। देख रहा है ना, पिक्चर भी दिखेगा ऐसे, देख रहा है ना, पिक्चर भी लगा। अभी और होगा तो मान लीजिए यहाँ फिजिक्स हो गए, न्यूट्रल्स बना हो गए, डेट डाल दिया मैंने आज का, कितनी तारीख है आज, 2023। यहाँ से भी ले सकते थे डेट, यहाँ कैलेंडर बना हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ से भी ले सकते थे। और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको तो गोल्ड होल्ड किया है ना, तो देख लेते हैं, गोल्ड हो गया, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लिया जाए। देख रहा है ना। हाँ, तो एक एक कवर पेज मान लीजिए तैयार हो गया, कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, गायत्री इंस्टीट्यूट, क्या लिख दिया, अरे यार ये तो कुछ ना कुछ करता है यार, गजब भाग है। देख रहा है ना, लिखने का तरीका भी है यहाँ पे, जैसा लिखना चाहेंगे वैसे सारी चीजें होती, लेकिन ऊपर चला गया होगा, देख रहा है ना। क्या जो भी है यही रहने देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये कवर पेज बन के तैयार हो गया, इससे पता चल जाएगा बुक का पहला पेज, मतलब कवर देख ही दे कि ये किस चीज की बुक है, फिजिक्स की है। हाँ, किस पे इसका टाइटल क्या दिया गया है, न्यूटन्स लॉ के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में मेंशन किया गया है, और यहाँ डेट दिया गया है, यहाँ कुछ ना कुछ फॉर्मेट है, ये सारे रेडीमेड फॉर्मेट दिए हुए हैं, हमने कुछ बनाया नहीं है। तो जो इसमें दिया था मैंने उतना, बस जो जगह खाली था हमने भर दिया, अपने पास से कोई इंसर्ट कराना था हमने पिक्चर पे यहाँ से पिक्चर ले लिए, लेकिन अभी और बनाएंगे जब हम अपने आप बनाना चाहेंगे, तो स्टेपेज के माध्यम से आप खुद बना सकते हैं, इतने सारे स्टेपेज दिए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शन दिया था सिर्फ हम लोग ऑप्शन से गए हैं, किसे गए हैं, ऑप्शन से, जितने ऑप्शन दिए थे हमने किसी को ले लिया, और रिमूव करना तो रिमूव कर देंगे, और चाहिए तो ठीक है, समझ में आ गया ना कवर पेज क्या होता है। तो ऐसे आप कवर पेज तैयार कर सकते हैं। कवर पेज क्या होता है, वो किसी भी बुक की क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, बात क्लियर है। अच्छा, ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज है ना। अच्छा ठीक है, मैंने कंट्रोल यन किया और मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट ओपन किया, कुछ नंबर्स डाल दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब बताइए कितने पेज का डाटा है, दो पेज का डाटा है, और किस पेज पे है हम लोग, पहले पे है, वन ऑफ टू का मतलब दो पेज का डाटा है और पहले पे हम लोग है। इधर आओ, तुम मैंने क्लास में क्या बोला था, बोले थे आज मतलब कल कहा था, आज और कल, उस दिन नहीं बोले थे मतलब 12 बजे क्लास चलेगा, तो एक दिन के लिए बोला था, 4 दिन के लिए बोले,
उसको मतलब सुनाई दिया कि मतलब दो तो उसको क्यों फिर से बोल बोलो, उससे आपको क्या करना है? उसको मतलब उसको आना था ना आपको 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 पढ़ना है ना, आपको कुछ है क्या? शादी ब्याह होगा तो उसको हो जाएगा बारात में, क्या आप जाएंगे? नहीं था। तो क्यों आप हर हमेशा यही एक्टिंग क्यों करते हैं कि वो लड़का क्यों मिलाई उसको? तो फोन किया था दो तीन बार और उठा नहीं रहा। करिए दिखाइए, बहुत गलत बात है। अरे भाई आप लोग, आपके पास नंबर है ऑफिस का, फोन करके पूछ लीजिए कि सर्वे सर की क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। और जब तक, अच्छा बताओ कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को सडनली छुट्टी किया गया हो? नहीं, हमेशा मैं पहले 2-4 दिन पहले से प्रिप्लान कर देता हूँ। हाँ इस डेट पे हो सकती है मेरे एग्जाम होंगे, प्रिप्लानिंग मैं जानबूझ के रखता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। आप लोग मनमोजी, कोई कह दे रहा है छुट्टी है तो छुट्टी मार दी, इसी तरह पिछली बार छुट्टी मार दी, नहीं अंकित गा रहा है। ठीक नहीं है बैठिए, अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये सब सुना तो लड़ाऊंगा यहीं पर, बहुत मार मारूंगा। हो जाएगा ये बताओ आपको पढ़ने आना, दूसरे तीसरे से क्या करना है? आपके पास ऑफिस का नंबर है, आप आराम से कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे भी मत पूछिए, ऑफिस में पूछिए। ठीक है देखिए आप लोग, तो कितने पेज का डाटा है? 2 पेज का डाटा है। किस पेज पे है? पहले पेज पे। अच्छा यहाँ जैसे टास्क बार पर हम लोग क्लिक करते हैं तो पता चलता है कितनी बार एमएसवर्ड को खोला गया है, कोई भी एप्लीकेशन कितनी बार खोला गया है? 2 बार, दो चीजें हैं, दो डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं। अच्छा दो चीजें पूछी जाती हैं कि अगर हम कंट्रोल एन दबाते हैं तो क्या होता है, और अगर हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो कहिएगा कि ब्लैंक पेज लेने से क्या होता है कि जितने पेज के डाटा होते हैं उसमें नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या करने से? ब्लैंक पेज लेने से। लेकिन अगर हम कंट्रोल एन दबाते हैं तो एक नया विंडो खुल के आ जाता है। क्या होता है? जैसे देखिएगा मैं यही कंट्रोल एन दबा रहा हूं, नया पेज खुल गया। अच्छा देखिए अब कितने विंडो हो गए, देखिए दो दो थे ना, 3 हो गए ना। अच्छा इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, अब इसी पे आ रहा हूँ, कहीं भी क्लिक कर दिया और यहाँ आए इंसर्ट में और क्या ले लिया? ब्लैंक पेज ले लिया। अच्छा क्या अब देखिए तो कितने विंडो खुले हुए हैं, अभी भी 2 ही है। यानी कि ब्लैंक पेज लेने से विंडो की संख्या बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। अच्छा कितने पेज का डाटा था, कितने पेज हो गए? यानी ब्लैंक पेज लेने से क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और कंट्रोल एन दबाने से क्या हो रहा है, एक नया विंडो खुल के आ जा रहा है सामने। बात क्लियर है ना? तो कोई भी पूछेगा कंट्रोल एन करने से क्या होगा और ब्लैंक पेज लेने से क्या होगा, तो आप आराम से डिस्क्राइब करिएगा कि सर ब्लैंक पेज लेने से होता है कि जितने पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट खोले रहते हैं उसी में एक पेज की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन कंट्रोल एन दबाने से क्या होती है, नया विंडो खुल जाता है। बात क्लियर है सबको? कोई डाउट है? ठीक चेहरा है। और पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज को तोड़ना। क्या होता है? पेज को तोड़ना। जैसे कि मान लीजिए हम कंट्रोल जेड कर दिए, अच्छा कितने पेज का डाटा फिर से हो गया और वापस 2 हो गया। ठीक है। अच्छा मान लो हम चाहते हैं कि 2 पेज का डाटा है, हम चाहते हैं कि एक पेज पे क्या हो, क्यों क्लिक नहीं हो रहा है? मान लो यहाँ हो गया जो भी है, ठीक है हो गया। मान लो एक पेज है, मैं चाहता हूं कि जितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ 7 लाइनें फर्स्ट पेज पे हो, बाकी चीजें अगले पेज पे हो। एक मतलब एक पेज पे 7 ही लाइनें हो, तो हम क्या किए, यहाँ आए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कर्सर का लोकेशन कहाँ है, ये मैटर करता है। अब यहाँ पे आए और क्या कर दिया, यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। देखिए तो अब कितने पेज का डाटा हो गया, फिर से 3 पेज हो गया है, 2 ही पेज थे ना। और पहले पेज पे कितना लाइन है काउंट करिए, तो समझ में आ गई बात ना? यानी जहां से आपको तोड़ना है वहां से आप तोड़ सकते हैं। मान लीजिए चाहते हैं यहाँ पे प्लस साइन जो लिखा हुआ है एक पेज पे रहे, बाकी अगले अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कर्सर को लाएंगे और क्या कर देंगे, पेज ब्रेक। देखिए तो प्लस साइन तक यहाँ है, प्लस साइन तक यहाँ है, हाँ, और बाकी क्या हो गए, अगले पेज पे शिफ्ट हो गए। देख रहे हैं ना? तो पेज ब्रेक का मतलब समझ में आया क्या करना है, पेज को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक कहाँ से होगा आपको ये पहले डिपेंड करना है, कर्सर कहाँ रख रहा है, कर्सर जहां रखेंगे वही काम करेगा। बात क्लियर है ना? ठीक सर है। हाँ ग्रुप पॉसिबल है? डाटा नहीं 2-4 लाइन ही होंगी तो मान लो कॉपी पेस्ट करके कर लोगे, अगर पहला पेज पूरा फुल है दूसरा पेज भी पूरा फुल है तो डाटा आपस में कहाँ हो पाएंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक और चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। एक
कंट्रोल एन कर लिया और यहाँ भी कर दिया। एक चीज समझाने का देखिए, जैसे कितनी लाइनें हैं, सात। अगर हमारे कर्सर यहाँ पे है, बीच में यहाँ पे है, अगर हम यहाँ होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा, कीबोर्ड में एक होम बटन दिया है और इंड बटन दिया है, दिया देखें आप कभी, कीबोर्ड में होम बटन दिया और इंड बटन दिया है देखें कभी आप, उसे क्या होगा होम दबाएंगे तो, अगर होम दबाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा इस डॉक्यूमेंट पे, एक कर्सर जो हमारे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, अगर इस ड्यूरिंग में अगर हम होम बटन दबाते तो क्या होगा बताइए, क्यों इतना लेट आ रहा है, करने की कोशिश कर रहे हो क्या, जमा कर रहे हो, इश्यू जमा करोगे तो ये 32 मिनट लेट आओगे, तुम्हारा पार्टनर बताइए, कोई बताइए यहाँ पे, अगर हमारा कर्सर है अगर होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा और इंड बटन दबाएंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा, अगर होम बटन दबाएंगे तो उसी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा और इंड दबाएंगे तो उसी लाइन के बिल्कुल आखिर में, आप खुद देख लीजिए, मैं होम बटन दबा रहा हूँ स्टार्टिंग में आ गया और इंड बटन दबा रहा हूँ लास्ट में चला गया, लेकिन हमारा कर्सर कहीं भी हो, कहीं भी अगर हम कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल शुरू में कंट्रोल इंड दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में, देखिए कंट्रोल के साथ होम दबा रहा है बिल्कुल शुरू में चला गया, कंट्रोल के साथ इंड दबा रहा है बिल्कुल लास्ट में आ गया, तो इस बात को लिख लीजिएगा कि अगर किस क्या कर, क्या लिखना है आपको, अपने तरीके में लिख लीजिए कि दो चार लाइनें लिखी हुई हैं, अगर कर्सर कहीं है हमारा और वो होम बटन दबाएंगे तो उसी लाइन की स्टार्ट में उसी लाइन के लास्ट में जाएगा, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बिल्कुल शुरुआत में और बिल्कुल लास्ट में, किससे, होम बटन और इंड बटन का लिख लीजिए, अरे लिख लीजिएगा, हमारी दो चार लाइनें हैं, हम किसी एक पार्टिकुलर लाइन पे हैं, अगर होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा, उसी लाइन पे इफेक्ट आएगा ना, उसी के शुरुआत में इंड दबाएंगे तो उसी के लास्ट में, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ होम इंड दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल लास्ट में, कर लीजिए वाला हट गया वही है लास्ट ऑफर, एक स्टेप पीछे आ बताया यही हूँ कि मान लीजिए हमारा कर्सर कहीं रह रहा है, अरे यहाँ रह रहा है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा, होम बटन दबाएंगे तो इसी लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा और इंड दबाएंगे तो इसी के आखिरी में चला जाएगा, ठीक है, अगर कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरुआत में और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो यही बात समझा गया ना, मतलब अगर नॉर्मल होम दबाएंगे सिंगल 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 होम या सिंगल इंड तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, समझ रहे हैं ना, उसी लाइन का स्टार्टिंग उसी लाइन का लास्ट, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग और डॉक्यूमेंट का लास्ट, समझ आ रही बात ना, हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो कवर पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक तीनों समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, अगला है टेबल, क्या है मतलब कि जो आप वर्ड पैड में प्लस माइनस का यूज करके टेबल ला रहे थे अब आप डायरेक्टली ला सकते हैं,
बस टेबल पे जाएंगे और टेबल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, देख रहे हैं ना, टेबल सिलेक्ट कर लीजिए जितना चाहिए। वाली हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, कोर्स हो गई, फी हो गई और पेड हो गया, हड्डी हो गई। हमने उसमें भी यही कहा था और अभी भी यही कहूंगा कि पहले आप डिसाइड करिए कितने कॉलम चाहिए, ठीक है, बाद में दिक्कत होती है, ठीक है, कितने कॉलम कितने रो है। अंजनी बताइए, जया, शैकाल और नीरज दो, हाँ तुम बताओ, शैकाल हाँ और रो, रो है ही नहीं, शैकाल वो क्या बोले तुम, अपना जैसा दिया जाता है वही आदमी यही, मतलब गलत बोल रहा हो तो आप अपना बोलिए क्या है, एक कॉलम एक रो, क्या बोल रहे हो, छुट्टे बना देंगे बाद में, दो बार तेज बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलो, बात कही थी आपसे कि कोई भी सेल बिना रो और कॉलम के होता ही नहीं, यानी कि इसमें रो और कॉलम दोनों है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि हम एक लाइन को रो और कॉलम कह ही नहीं सकते, अगर हम एक लाइन बना दिए पूरा, अब ये एक कॉलम हुआ, एक एक लाइन बनाया तो रो नहीं, अभी एक लाइन और बना दी अब ये रो हुआ, तो रो देखिए काउंट करिए कितने रो हो गए, एक कहीं तक जाएगा, एक तक एक कॉलम काउंट करिए, एक दो तीन चार पांच छह कॉलम, अगर हम रो की संख्या बढ़ानी है तो एक और लाइन ऐसी बीच में, अब रो की संख्या कितनी हो गई, दो, और कॉलम की संख्या 12 हो गई, गजब मेंटली है, अभी भी वही है भाई, अभी भी कॉलम की संख्या कितनी है, उतनी है सर, ये अलग बना ठीक है, पागल हो गया, कॉलम में जाएगा, अच्छा एक लंबा लंबा नहीं जाएगा, अभी लंबा जाएगा, कितना भी बना लीजिए कॉलम की संख्या अगर बढ़नी है तो इधर बढ़ेगी ना, इधर बढ़ा रहे हैं, अब कॉलम की संख्या बढ़ेगी, अरे लाइन तो आगे जाएगा ना, बहुत लंबा जाएगा, उसकी रास्ता को पकड़ के आगे ले जाइए, बस काउंट करिए, अच्छा तो अगर कॉलम काउंट करके स्पीच वही काउंट करेगा ना, ये रुक जाएंगे यहीं पे आके, नहीं हो जाएगा नीचे तक, रो भी क्या है, जैसे लास्ट तक गया है रो ना, वैसे दूसरा भी रो लास्ट तक जा रहा है ना, तभी दो रो काउंट कर रहे हैं, समझ आ रही मेरी बात ना, समझ आ रही बात ना, अच्छा अब बताइए कितने रो कितने कॉलम है, 12 कॉलम हो गया ना, मान लो 18 हो गया, नहीं रो अभी 3 है और कॉलम कितने हैं, बात क्लियर हो गई, यानी कि आप ऐसे जस्टिफाई कर पाएंगे, और एक सेल कितने रो कितने कॉलम से बना होता है, और डाटा एक पेज का जो डाटा होती है कितने रो कितने कॉलम से बनी होती है, इसी सेल की साइज अगर बढ़ा दी जाए तो एक पेज बन जाएगा, पेज में एक पेज, समझ रहे हो ना आप, दिमाग
तो बोल रहा हूँ ऑन करके, तो बोलिएगा आप लोग। तो इसमें कितने रो कितने कॉलम है? एक रो है, छह कॉलम है। बात क्लियर है? चलिए अच्छा, रो की संख्या तो बढ़ सकती है ना, आपको पता है ना टैब बटन का आज तक यूज करते थे हम लोग ज्यादा स्पेस के लिए, अब पढ़ेंगे एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। देखिए तो देखिए देखिए, और फिर दबाएंगे तो क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा? नीचे आ जाएगा, हमको पता ही नीचे जाएगा, क्या बढ़ेगा? रो की संख्या बढ़ जाएगी, रो की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? अब इसमें कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पे स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना स्टूडेंट नेम, यहाँ नहीं, हाँ स्टूडेंट नेम चलो हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था, आर ए जी नंबर नेम, यहाँ कोर्स कर दिया, ठीक कर दिया, पेट कर दिया, अब यहाँ बच्चे का नाम लिख लीजिए, जैसे कोई बच्चा नाम बता, रजिस्ट्रेशन नंबर बताया अपना, अब तेज आवाज निकल रहा है, रुक बे हमें क्या बोल रहे हो, हाँ 40 63, क्या नाम है? आशीष, कोर्स सर जी एडीसी कर ही रहे, पेड कितना जमा कर दिए? और ड्यू हो गई तुम्हारी कितनी? 12,000 की। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन, चाहे तो आप इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम हेडर रो को जो भी है, टोटल रो या फर्स्ट कॉलम जो भी है आप कर सकते हैं, स्टाइल सेटिंग करना है देख रहे ना, लिमिटेड चीजों को या सिलेक्ट करके जो भी है, फर्स्ट हेडर रो है देख रहे ना, और यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है बहुत सारे, ये देखिए ये देखिए, देख रहे ना आप लोग, सेटिंग हो रहा सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे बदल सकते हैं, एक एक करके भी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर जो भी है सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और सिर्फ इस टेबल से ही नहीं होगा, टेबल से कर लीजिएगा आप लोग, सिर्फ टेबल से ही नहीं होगा, आपको याद है मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को प्लस माइनस वाला, वो भी करके कर लेंगे कि प्लस प्लस प्लस, और एक ही माइनस कम से कम यूज कर लीजिए और इंटर कर लीजिए तो आ जाएगा टेबल, देख रहे हैं ना आराम से, आप क्या करिए इसको ड्रैग कर लीजिए, तो दिक्कत नहीं है ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप टेबल का। हाँ एक और चीज लिख लीजिएगा, इसमें एक शॉर्टकट की होता है, आपको पता नहीं वहां लिखा है कि नहीं लिखा है, कि अगर अगर क्या करते हैं आप सिर्फ माइनस माइनस करके इंटर करते हैं तो क्या होता है, टेबल आता है? नहीं आता है, लेकिन अगर सिर्फ माइनस 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 करके इंटर दबाते हैं तो एक लंबी लाइन आ जाती है पूरा मार्जिन के बराबर, देखो, यानी आप किसी चीज के नीचे आपको लंबी लाइन खींचनी हो, जैसे मान लो वो बायोडाटा ही बना रहे हैं आप लोग, तो नहीं नाम ओम लिख दिया जाता है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, उसके जस्ट नीचे लाइन खींचनी होती है, तो आप ऐसे खींच सकते हैं, क्या करते हैं माइनस माइनस दबा के इंटर दबा देंगे, लिख लीजिएगा, अगर लंबी लाइन खींचनी हो तो माइनस माइनस दबा के इंटर कर देंगे, कहां एमएस वर्ड में, ठीक है, एक मिनट में आ रहे Thank you.
देखिएगा और लाइव करके कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। म्यूट कर रहे हैं, हाँ रिकॉर्डिंग बस बंद हो जाएगी लेकिन आवाज जाएगी। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब बंद कर देंगे तो तुम बतियाओगे हैं? ठीक है, कर लिया आप लोग ये सॉल्व की ना, ये आगे काम आएगी आपको। ठीक है, और एक और चीज, जब टेबल बना रहे हैं आप लोग, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, टेबल बना दिया हमारे लिए, तो ये बताएंगे आगे आपको। मान लो जो भी टेबल बना रहे हैं आप, टैब दबा दिया, मान लो यहाँ नंबर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, मान लो 5 लिखा हुआ है, एक्सेल में मान लो जोड़ दिया जाता है अपने पास से, जोड़ने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ 4, और यहाँ टैब दबा दिया। यहाँ एक्सेल में रहता है, हम इक्वल टू लगा के 5 और 4 को सिलेक्ट करते हैं तो जोड़ देता है, फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये वर्ड में करेंगे तो नहीं जोड़ पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना होता है कंट्रोल F9। क्या यूज करना है? 9। और कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं? इक्वल टू। क्या लगाते हैं? इक्वल टू लिखते हैं सम। क्या लगाते हैं? सम। और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा भाई, किस साइड जोड़ रहे हैं आप लोग? राइट साइड में जोड़ रहे हैं। किस साइड की चीज को जोड़ना है? लेफ्ट साइड से। क्या लिख देंगे? लेफ्ट। और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और F9 प्रेस कर देंगे। क्या प्रेस कर देंगे? बताया था क्या आप लोगों? देखिए तो जोड़ दिया क्या? सही जोड़ा है। अच्छा एक और चीज देख लीजिए, इसी में चारों तरीके, चारों दिशाओं में जोड़ सकते हो। यहाँ 3 लिख दिए, 3। अब इसको जोड़िए तो क्या लिखेंगे? कंट्रोल F9 दबा देंगे और क्या लिखेंगे? कंट्रोल F9। हाँ अपने आप आ जाएगा, हाँ हाँ फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट कर लेंगे? सिलेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे यहाँ की चीज जोड़नी है ऊपर की, तो क्या लिखेंगे? अपर नहीं लिखेंगे, अब भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एबव। क्या लिखेंगे? एबव। एबव का मतलब उधर था ना। और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और लास्ट में क्या दबाएंगे? F9। पहले स्टार्टिंग में दबा रहे हैं कंट्रोल F9 और लास्ट में सब करने के बाद क्या दबा रहे हैं? F9। देखिए जोड़ दिया क्या? समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्या दबाएंगे सबसे पहले? देखिए जैसे मान लीजिए 4 हटा दिया मैंने, ये 4 क्या कर दिया? अरे चार हटा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ जोड़ना है तो क्या लिखेंगे सब? अब लिख लीजिएगा आप लोग, क्या दबाएंगे सबसे पहले? कंट्रोल F9। क्या दबाएंगे? इससे क्या ओपन होगा? फार्मूला बार। क्या ओपन हो जाएगा? फार्मूला बार।
अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, क्या लिखेंगे सम। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, लिख देंगे क्या बिलो, बिलो का मतलब नीचे, और क्या दबा देंगे लास्ट में, लास्ट में क्या दबाएंगे, F9 दबा देंगे। देखिए 7-2 कितना हुआ आ गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। सर ये जो बताया कि कैप जाम से नीचे और पीछे चला पड़ जाता है, और सर उधर दाहिने बढ़ाना हो कैसे पड़ेगा, ए कॉलम, तो कॉलम नहीं पड़ता है ना बाबू, ये तो उस स्टार्टिंग में ही बताया था कॉलम की संख्या क्या कहा था मैंने, ये पहले ही विचार कर लीजिए कितने कॉलम क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ सकती लेकिन रो की संख्या बढ़ सकती है। समझ में आ गया ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन देता है यहाँ पे एक वाला, ठीक है, ऐड करने वाला लेआउट ड्रा करने का एक ऑप्शन देता है इसमें, लेकिन ऐड नहीं होता है, कॉलम नहीं है पहले, हटाना पड़ता है बाबू, मैंने इसीलिए मैं कह रहा था प्री प्लान रहिए जितने आपको उसकी जरूरत पड़ती है। छोटा कर सकते हैं, छोटा वाला वो तो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, ड्रा टेबल देखो बाबू, ड्रा टेबल का ऑप्शन है, और एक और क्या किए, बड़ा खतरनाक बन गया, एक ऑप्शन दे रहा ड्रा वाला, देख रहे ना ड्रा टेबल का, इरेज करना है तो इरेज भी कर लेंगे। देख रहे ना इरेज इरेज सब देता है यहाँ पे, किस में आता है, लेआउट में आएंगे तो वही इरेजर का भी और ड्रा टेबल का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ गया एक और, हाँ अब ऐसे ही आपको पता है करना पड़ता है, लाइन ड्रा करेंगे करते रह जाएंगे, देख रहा हूँ वो रैग नहीं बढ़ा, रैग नहीं कॉलम की संख्या बढ़ गई कॉलम की संख्या, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और इरेजर का यूज आने ही है, आप करके दिखा दिया मैंने, लेकिन प्री प्लानिंग रहनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, समझ रहे हो, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन ऑप्शन तो देगा ना, माने वर्ड थोड़ा कमजोर था वहां नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि वहां प्लस माइनस का टेबल ला रहे थे ना, वहां ऑप्शन थोड़ी था, यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ टेबल का ऑप्शन है तो ये सारी फीचर्स उसमें दिए हुए, समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू क्लास।